का अटैक लगातार जारी है। कल भी बढ़ ले ली उन्होंने नीतीश कुमार का सीधे अटैक किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। और इसके पहले जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी शिवसेना गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। ये एक सामान्य बात है कि शिवसेना केवल महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं, बल्कि सभी राज्यों में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, जबकि महाराष्ट्र में वो सरकार में शामिल थे। उसी प्रकार अकाली दल पंजाब में हमारे साथ शामिल थे या केंद्र में शामिल हैं, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। तो हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और अभी हाल ही में झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ, उस झारखंड के चुनाव में भी जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि केंद्र में अगर हमारा समझौता है तो सभी राज्यों में भी समझौता होगा। इसलिए मैंने उदाहरण दिया शिवसेना का गुजरात का, अकाली दल का दिल्ली और हरियाणा का, और जनता दल यू और लोजपा का झारखंड के अंदर हमारा समझौता नहीं था। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था, परंतु विधानसभा चुनाव में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है, नड्डा जी जा रहे हैं, अन्य हमारे नेता जा रहे हैं, और एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्रों में हम दौरा करेंगे, जॉइंट रैली भी करेंगे। और जो कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 90% भ्रम तो छंट चुका है, और जो बचा खुचा जो भ्रम है वो भी अगले 2-3 दिन में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने हमला किया। तेजस्वी ने चैलेंज दिया। सर, राइट, सर।